राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोपैथ आरबी गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने विगत वीडियो में जो है मैट्रिमेडिका की जो 38 मेडिसिन थी उनको कवर किया। आज से हमारा जो नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आएगा। और जिस पर्पज़ के लिए हमने ये ग्रुप तैयार किया था, उस पर्पज़ का एक पॉइंट आज इस वीडियो के अंदर मुख्य है। एक क्या प्रमुख पॉइंट जो है, वो ही मेन पॉइंट जो है, वो आज इस वीडियो के अंदर ही आपको मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसको आगे पीछे मत करिएगा। यदि आपने आगे पीछे किया तो आपका इस ग्रुप में जुड़ने का जो पर्पज़ था वो कभी भी आपका जो है सफल नहीं हो पाएगा। फिर आप बाद में जैसे हम रोगों की चिकित्सा बताएंगे, आप उसमें पूछते रहेंगे बार बार, ये कैसी है, ये कैसे है। तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, इलेक्ट्रोमोपैथिक चिकित्सा पद्धति एक हर्बल जो है, नेचुरल हर्बल चिकित्सा पद्धति है। इसके अंदर सेल्स को पुष्ट करने वाली जो है अद्भुत, यानी स्वस्थ रखने वाली एक अद्भुत अक्षमता है इसके अंदर। हमारी सब धातुएं हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो दोस्तों, इनमें से जो हमारी प्रारंभिक जो धातुएं हैं रस और रक्त, डॉक्टर काउंसिजर मैटी जी ने इनको ही जिम्मेदार माना है। उनका मानना था कि जब रस और रक्त ये दो चैतन्य पदार्थ शरीर में शुद्ध रहेंगे तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। यदि इनमें किसी प्रकार की अशुद्धता आ जाती है तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इसी सिद्धांत को जो है मान करके डॉक्टर काउंसिलर मैटी जी ने अपने चिकित्सा पद्धति में जो है स्थान दिया, क्योंकि दोस्तों हमारी जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है वो सेल्स है। सेल्स से पहले जो है यदि रस और रक्त अशुद्ध हो जाते हैं तो सेल्स जो है वो बीमार पड़ने लगती है। फिर उस सेल से जुड़ा हुआ अंग बीमार पड़ता है, फिर उस अंग से जुड़ा हुआ सिस्टम वो बीमार पड़ता है, फिर एक सिस्टम के बिगड़ जाने पर फिर दूसरा सिस्टम उसे प्रभावित होता है, फिर तीसरा सिस्टम उसे इफेक्टेड होता है। इस प्रकार से शरीर का जो है पूरा सिस्टम ही इम्बैलेंस हो जाता है और व्यक्ति जो है रोगग्रस्त हो जाता है। पौधों से हम जो ईएच की जो हमारी मेडिसिन है वो एक एक्टिव एंजाइम के रूप में हम औषधि के रूप में उसको प्राप्त करते हैं। और ये जो एक्टिव एंजाइम हैं, ये रस और रक्त के माध्यम से पहुंच करके उन क्षेत्रों को लक्षित करता है जहां पर इनकी शरीर के किसी कोशिका को जरूरत होती है, वहीं पर यह लक्षित करता है। शरीर के और किसी भाग पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। जहां पर भी सेल को इसकी आवश्यकता होगी, एंजाइम की आवश्यकता होगी, वो उसको एब्जॉर्ब करेगी। जहां आवश्यकता नहीं होगी वहां पर वो अवशोषित उसको नहीं करेगी। तो दोस्तों, यानी एक तरह से हम ये कहें कि एक स्वस्थ आदमी के ऊपर जो है हमारी इलेक्ट्रोमोपैथी जो विशुद्ध हर्बल प्लांट से बनी हुई है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि स्वस्थ शरीर के ऊपर इसका कोई प्रभाव होता ही नहीं, प्रभाव ही नहीं है। केवल ये रोगी शरीर की ही चिकित्सा करती है। जिस प्रकार से हमारी आयुर्वेद है या फिर एलोपैथ है या कोई और यूनानी है, जिसके अंदर जो है पशु जगत से खनिज इत्यादि स्रोतों से मिला करके जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं वहाँ पर जो है साइड इफेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। लेकिन यदि हमारी विशुद्ध इलेक्ट्रोमोपैथी जो डॉक्टर काउंसिलर मैटी जी ने जिस प्रकार से उन्होंने औषधि का निर्माण किया है उसके आधार पर अगर औषधियाँ बनी हुई हैं तो उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। दोस्तों, हम भोजन पानी
खाद्य पदार्थ जब सेवन करते हैं तो क्या होता है कि कई बार भोजन पानी और हवा के साथ में कुछ जो है परजीवी वो हमारे शरीर के अंदर इंटर कर जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो रस और रक्त के माध्यम से जो है पहुंच करके सेल्स को अक्षतिग्रस्त करने लगते हैं और धीरे धीरे फिर उस सेल से जुड़ा हुआ अंग जो है वो भी अक्षतिग्रस्त होता है। इस प्रकार से एक एक करके जो है पूरा शरीर ही अक्षतिग्रस्त हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। दोस्तों एक प्रकार से हम ये कहें कि रस और रक्त की शुद्धता ही स्वस्थ शरीर की गारंटी है तो अतिशुक्ति नहीं होगी, इसमें कोई भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने अपने जीवन काल में 38 मेडिसिन का निर्माण किया। कोबेशन मेथड के द्वारा अब तो नए नए जो है तरीके आ गई है, उस समय दवाई को औषधि को अरख निकालने में बहुत समय लगता था, लेकिन आजकल के आके परकोलेटर विधि वगैरह द्वारा जो है उसको बहुत जल्दी ही जो है मेडिसिन को बना लिया जाता है। लेकिन अगर वो भी सही तरीके से अगर बनाई जाए, सही तकनीक से औषधि का निर्माण किया जाए तो वो भी काफ़ी कारगर दवाइयाँ हैं। तो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने अपने जीवन काल में 38 मेडिसिन का निर्माण किया, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंदर बताया है 38 मेडिसिन के बारे में। अलग अलग एक एक मेडिसिन के ऊपर मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है, आपने सुना भी होगा। तो 38 मेडिसिन को डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने दो भागों में बांट दिया। एक वो मेडिसिन जो हमारे फंक्शनल ऑर्गन के ऊपर कार्य करती है और एक मेडिसिन वो है जो स्ट्रक्चरल के ऊपर काम करती है, स्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है। यानी एक तो उस अंग के कार्य को प्रभावित करती है और दूसरी जो है उस अंग की बनावट को संतुलित रखती है। तो फंक्शनल मेडिसिन कौन सी है, यानी कि अंग के कार्य को निरंतर जो नियंत्रित करती है उन्हें हम फंक्शनल मेडिसिन कहते हैं। उसमें क्या है, जैसे हमारा एस ग्रुप है, एल ग्रुप है, ए ग्रुप है, पी ग्रुप है और आर ई है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, डब्ल्यू है, बी ई है, वाई ई है, ये हमारी जो है दोस्तों जो फंक्शनल मेडिसिन है। दूसरी हमारी जो है स्ट्रक्चरल मेडिसिन, स्ट्रक्चरल मेडिसिन जो है हमारे अंगों की बनावट को नियंत्रित करती है, जैसे कैंसोरेसो है, विनेरियोवन है, वर्मिफ्यूगो है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है। तो कैंसोरेसो जैसे आप जानते हो कि टिश्यू का निर्माण करती है, सेल्स का निर्माण करती है। विनेरियोवन है जो दोस्तों वो भी ढांचे को जो है इन्फ्लामेशन वगैरह है उसको वो जो है समावस्था में करती है और वर्मिफ्यूगो जो है वो भी ऐसे ही जो है हमारी जो स्वेलिंग वगैरह है, इंटेस्टिनल की जो है स्वेलिंग वगैरह है उसको जो है यानी कि संतुलित अवस्था में उसको लेकर के आती है। और जी ही है, जी ही जैसे कोई घाव हो जाता है वहाँ पर उसका स्ट्रक्चरल जो है बिगड़ जाता है तो जी ही भी उसको रिपेयर करके उसको जो है एक सम अवस्था में लेकर के आती है। कुछ हमारे साथी जो हैं वो कहते हैं कि सर ये मेडिसिन हमने कितने दिन देनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए कोई भी रोग जो है वो एक दिन में ठीक नहीं हो सकता, कोई भी पैथी जो है एक दिन में ठीक नहीं कर सकती है, क्योंकि कोई भी बीमारी एक दिन में डेवलप नहीं होती है, इसलिए ठीक करना भी एक दिन में उसको संभव नहीं है, उसमें समय लगता है। आप एक चिकित्सक बनिए, ठेकेदार मत बनिए, किसी चीज़ का आप ठेका मत लीजिए कि आपको 6 महीने खानी है, आपको 3 महीने खानी है। हाँ इतना उसको ज़रूर विश्वास दिला दीजिए पेशेंट को कि देखो आपकी बीमारी एक दिन में
जड़ नहीं हुई है, ये बहुत समय लगा है इसको बनने में, इसलिए इसको ठीक होने में भी समय ही लगेगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता कितना समय लगेगा। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आप 100% ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, पेशेंट को सांत्वना देना 50% तो पेशेंट अपने आप ही ठीक हो जाता है, बाकी जो हमारी औषधियाँ खान पान जो है उसके द्वारा बीमारी को जो है शीघ्र ही ये दवाइयाँ अपने कंट्रोल में कर लेती हैं, शीघ्र ठीक कर देती हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है हमारी डोजोलॉजी की। डोजोलॉजी पे द बताया गया है कि द डिजीज विल बी सीवियर टू विन द सेम माइक्रो अमाउंट ऑफ मेडिसिन विल हैव टू बी गिवन। यानी कि रोग जितना गंभीर होगा उतनी ही जो है हमें दवा की मात्रा कम देनी होगी, माइक्रो यानी सूक्ष्म मात्रा उसकी उतनी हमें देनी होगी। दोस्तों, इलाज करने के लिए सबसे पहले जो है हरेक चिकित्सक को जिसका ये कर्तव्य बनता है, और एक अच्छा जो चिकित्सक होता है इन चारों बातों पर अवश्य ध्यान देता है। सबसे पहले जो है रोगी की प्रकृति, यानी कि कंस्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट, रोगी की प्रकृति देखी जाती है। उसके पश्चात जो है डायग्नोस ऑफ डिजीज, यानी कि रोग का निदान, यह भी जरूरी है। तीसरा है स्टेज ऑफ डिजीज, यानी कि बीमारी की अवस्था क्या है, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है कि बीमारी जो है वो शरीर के किस ऑर्गन को इफेक्ट कर रही है, उस ऑर्गन में क्या वो सिरोसिस हो चुका है या फिर उसमें इन्फ्लामेशन है, इन्लार्जमेंट हो चुकी है, तो उसके अनुसार ही हमने औषधि का भी निर्माण, जो औषधि का चुनाव जो है वो हमने करना पड़ेगा। उसके अंदर उसकी लाइट, उसकी जो है स्ट्रॉन्ग डोज भी उसकी उसके अनुसार ही बनानी पड़ेगी। और दूसरा जो है हमें ये भी देखना होगा कि उसके ऑर्गन का जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसा है, वो फंक्शन आइपो है या फिर आइपर है, तो वो ध्यान भी हमें यहाँ पर देखना होगा, देना होगा। यदि आइपर है तो वहाँ पर हम लाइट मात्रा देंगे, और यदि आइपो है वहाँ पर हम थोड़ी स्ट्रॉन्ग मात्रा मेडिसिन का करेंगे। ये तीसरी बात। चौथी बात दोस्तों, हमने जो मेन है हमारी वो है सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। बस सभी चिकित्सक जो है दोस्तों यहीं पर मार खा जाते हैं, बाकी तीन बातों को तो वो ध्यान रख लेते हैं लेकिन यहाँ पर मार खा जाते हैं, और ऐसे में फिर उनको सफलता हाथ नहीं लगती। जैसे मैंने बताया, हमने स्ट्रक्चर और फंक्शनल, डॉक्टर काउंट मैटी जी ने तो पहले से ही हमें बना करके दे दी हैं, लेकिन हमने हमारे में जो है समझने की हमें आवश्यकता है उनको, तो वहाँ पर हमें दोस्तों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों को अलग करना होगा, तभी हम जो है रोगी का इलाज कर पाएंगे। ये नहीं है आपने फंक्शनल भी उसी में घुसेड़ दिया है, स्ट्रक्चरल भी उसमें घुसेड़ दिया है, कभी कभी अपवाद हो सकता है, कभी कभी देनी पड़ सकती है उसके अंदर, जब कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी ना हो तो उसमें छोटे मोटे जो है नॉर्मल सी जो बीमारियाँ होती है उसमें कई बार देनी पड़ जाती है उसको छोड़ करके। बाकी जो है हमें जितनी भी क्रोनिक बीमारियां हैं, जितनी भी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हैं, उनको हमने देखना होगा, स्ट्रक्चर को भी देखना होगा, उसके फंक्शन को भी देखना होगा, और उसके आधार पर जो है हमने मेडिसिन ऑफ सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन का हमने चुनाव करना पड़ेगा, तभी हम जो है इस उस रोगी का जो है इलाज करने में सक्षम हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये बातें तो तकरीबन आपको सभी चिकित्सक ग्रुपों में बताया होगा आपको, जिसने आपने जिनकी आपने क्लासें ली है, बहुत से ऐसे हैं जो हमारे साथी हैं जो इसके ऊपर लेक्चर करते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ शायद ही कोई आपको बताएगा। देखो दोस्तों, मेरा जो इस ग्रुप को खड़ा करने का जो मकसद था, मेरा मकसद, मुझे कोई आपकी आवश्यकता नहीं है,
मुझे आपसे कोई किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, मैं कोई आपसे कोई फीस या वगैरह कुछ नहीं ले रहा हूँ। यहाँ की ये डाटा जो खर्च कर रहा हूँ वो भी अपनी जेब से कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मकसद है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रचार प्रसार हो। लेकिन प्रचार प्रसार कैसे होगा, जब इसके चिकित्सक होंगे तभी तो इसका प्रचार प्रसार होगा। क्या एक अकेला चना भाड़ को फोड़ सकता है? कभी नहीं फोड़ सकता। तो दोस्तों, हमें तो केवल आप जैसे जो कर्मठ साथी हैं हमारे, उनकी आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो है हमारा ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का चैप्टर शुरू हो चुका है, इसके अंदर हम रोगों के ऊपर बातें करेंगे और आपकी अच्छी जो है प्रैक्टिस इसके अंदर हो जाएगी। पेशेंट आपके पास आएगा, आप जैसे जैसे हम बताते जाएंगे आप देते जाइए, पेशेंट ठीक होगा। ऐसा कोई पेशेंट नहीं जो ठीक नहीं हो सकता दोस्तों, ये अलग बात है कि उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन दवाइयाँ हमारी काम करेंगी, जरूर करेंगी। जैसे मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा उसके हिसाब से आपको मेडिसिन बनानी होगी, और जैसे मैं डायलेशन आपको बताऊंगा उसके हिसाब से आप अगर अपने पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस करेंगे तो 100% जो है वो पेशेंट ठीक होगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों, कुछ हमने अपने जीवन के अनुभव, अपने जो है एक्सपीरियंस के अनुभव के आधार पर, अपने जो है अपनी प्रैक्टिस में, अपने करियर में जो हमने कुछ जो है अपने सूत्र हमने तैयार किए, तो उसमें दोस्तों सबसे पहले हमने जो सूत्र बनाया है, प्रधान जो है हमारा मुख्य है, जिसको हम हर डिजीज में देते हैं, उसको कोई ऐसी डिजीज नहीं है जिसके अंदर हम नहीं देते हैं। ये सच मानो दोस्तों, यदि हमने इसको फार्मूले को नहीं दिया तो आप भले ही रोग को ठीक कर देंगे लेकिन जड़ मूल से उसको नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर काउंसिजर मैटीजी ने भी माना है स्वयं, लिम्फ और ब्लड की शुद्धता ही सब जीवन की गारंटी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जो है S1 L1 A3 को लिया है। दोस्तों, S1 जो है आप सब जानते हैं हमारी स्पोरोफिलोसो ग्रुप की मेडिसिन है, मेटाबॉलिक सिस्टम की मेडिसिन है और डाइजेस्ट सिस्टम की मेडिसिन है। स्पोरोफिलोसो ग्रुप की जो औषधियाँ है वो भोजन को पचा करके जो है रस का लिम्फ का निर्माण करती हैं, और जब लिम्फ का निर्माण हो जाता है तो उसके पश्चात जो है उसके ऊपर हमारी जो लिम्फेटिको मेडिसिन है उसका कार्य आरंभ हो जाता है। स्कोरोप्लोसो का काम केवल लिम्फ का निर्माण करना है, उसके पश्चात में फिर जो है उसके ऊपर जो है लिम्फेटिको की जो मेडिसिन हमारी L1 वो काम करती है। तीसरी जो हमारी मेडिसिन है दोस्तों वो है एंजियोटिको ग्रुप की A3, जो ब्लड को प्योरीफायर करती है, शरीर में ताकत देती है, RBC WBC को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला फार्मूला है वो S1 L1 A3 S1 यानी के डाइजेस्ट सिस्टम की मेडिसिन है, भूख को बढ़ाएगी, और L1 जो है वो रस को शुद्ध करेगी, रस को टॉक्सिन रहित करेगी, और एंजियोटिक को जो ब्लड को साफ करेगी, नंबर एक। नंबर दो जो है, मैंने आपको पहले में बताया कि कंस्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट, जहाँ रोगी की प्रकृति, तो दोस्तों वहाँ पर जहाँ पर रोगी की प्रकृति आप देखते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको अब देखने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर ये अब जो प्रकृति है वो गौण हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास में लिम्फोटिको की और एंजियोटिको की और मिक्स तीनों जो है हमारी S1 L1 A3 के अंदर कवर हो चुकी है। अब ये टेम्परामेंट देखना, इसको आप बंद कर दीजिए, ये आपकी जो है तीनों टेम्परामेंट की मेडिसिन हो गई, आपको किसी को टेम्परामेंट देखने की आवश्यकता नहीं है, इसको ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है, इसको लिम्फेटिक का देना पड़ेगा, इसको एंजियोटिको से जो है इसको परेशानी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा आपको। और ये जो मेडिसिन है दोस्तों हम न्यूट्रल डोज में देते हैं, तो ये भी नहीं हम कह सकते कि ये फास्ट हो गई है, आई डाइल्यूशन हो गया है, ये भी नहीं कह सकते कि जो है ये लाइटर डाइल्यूशन बन चुका है, ये कोई काम नहीं करेगा। न्यूट्रल का मीन होता है कि यदि किसी अंग का कार्य अक्षमता से कम हो गया है तो उसको ये समान अवस्था में लाकर छोड़ देगी, कहीं से बढ़ गया है तो वहाँ पर ये बढ़े हुए को नीचे ला करके यानी सम अवस्था में ला करके छोड़ देगी, बैलेंस में बना करके ये हमारी जो पहला फार्मूला है ये छोड़ देगा, नंबर एक।
नंबर दो जो है हमारा, वो भी हम हर पेशेंट को देना होगा दोस्तों। उसमें क्या है कि हमने उसको बॉडी कवर के रूप में जो है नाम दिया है, बॉडी कवर। कैसे? उसके अंदर हमने जो दोस्तों A2, C5, F1, P1, WE और S5, ये मेडिसिन का जो है हमने लिया है दोस्तों। इसका मैं आपको जो है अलग अलग बताता हूँ कि ये हमने क्यों लिया। इसके अंदर दोस्तों A2 का क्या कार्य है दोस्तों, देखिए आप सब जानते हैं कि A2 वेंस की मेडिसिन है। जितने भी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, अशुद्ध तत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो है हमारी A2 जो है वो अशुद्ध रक्त के माध्यम से वो हार्ट में ले जा करके उसके पश्चात में जो है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो है वो परश्वास के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रूप में जो है बाहर निकाल देती है, जिसे हमारी सेल्स को शुद्धता प्राप्त होती है, शुद्ध होने लगती है। और किसी प्रकार के खड़े हुए रक्त को, कोई रक्त कहीं पर जो है रुक जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तो वहां पर जो A2 है उस रक्त को चलायमान कर देती है। तो दोस्तों इसलिए हमने जो है A2 का यहाँ पर चुनाव किया है, जो हर पेशेंट को देनी है। उसके पश्चात में दोस्तों हम C5 लेते हैं। C5 जो है वो मसल स्ट्रेस के लिए है, मांसपेशियों खिंचाव आ जाए, टिश्यू की मेडिसिन है, टिश्यू के ऊपर काम करती है, कहीं स्वेलिंग आ जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो वहाँ पर इसका बहुत अच्छा काम है। और दोस्तों एक पेन किलर के रूप में भी जो है इसका हम प्रयोग करते हैं। सब जानते हैं कि जब शरीर रोगग्रस्त हो जाता है तो बॉडी में टायर्डनेस या पेन तो जरूर होगा। तीसरी मेडिसिन दोस्तों हमने लिया है WE को। आप जानते हैं कि WE भी न्यूट्रल मेडिसिन है, पेन किलर भी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी जो है हमारी ये मेडिसिन जो है कवर करती है, दर्द निवारक दवा है, बुखार में जो फीवर वगैरह में भी काम करती है, ताकत भी देती है। तो इसलिए हमने इस यहाँ पर WE को भी हमने यहाँ पर चुनाव किया था इसका। तीसरी मेडिसिन दोस्तों हमारी F1 है, चौथी मेडिसिन जो है F1 है। F1 को ये भी आप जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माध्यम से पूरी बॉडी को जो है हमारी F1 कवर करती है, एंटी पायरेटिक भी है, एंटी पेन किलर भी है। तो इसलिए, और दूसरा जो है जिस भी औषधि के साथ में हम F1 को लगाएंगे उसकी कई गुणा शक्ति जो है ये F1 बढ़ा देती है, इसलिए हमने यहाँ पर F1 का सिलेक्शन किया था। उसके पश्चात में हमारी जो पांचवी मेडिसिन है उसको लिया हमने P1 में। अब कहोगे कि आप P1 किस लिए, तो दोस्तों P1 का एक ही काम है, ऑक्सीजन की सप्लाई करना। P1 जो है वो ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करती है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है P1 का सिलेक्शन किया है। ऑक्सीजन दे करके जो सेल्स को स्वस्थ करती है, और सेल स्वस्थ है तो टिश्यू भी स्वस्थ है और ऑर्गन स्वस्थ है, फिर सिस्टम स्वस्थ है। और जो हमारी लास्ट की मेडिसिन है दोस्तों वो S5 का हमने यहाँ पर चुनाव किया है। S5 आप जानते हैं कि मोटर नर्व की मेडिसिन है। मोटर नर्व के अंतर्गत जितने भी ऑर्गन आते हैं सबके ऊपर इसका इफेक्ट है। फिर ये पेन किलर भी बहुत अच्छी है, और जो है मांसपेशी के पेन में भी बहुत अच्छा काम करती है, पेन किलर है, लीवर के ऊपर बहुत अच्छा काम है इसका। तो इसलिए यहाँ पर हमने S5 का निर्माण किया, सिलेक्शन किया, चुनाव किया। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी जो है एक फार्मूला हमारा ये बना, A2, C5, WE, F1, P1 और S5। तो दोस्तों हमने इन सब को मिला करके हमने इसका एक नाम दिया था बॉडी केयर, कि ये पूरी बॉडी का केयर करती है, इसलिए हमने इसको बॉडी केयर
अभी तक आपने जितने भी हमारे से ट्रीटमेंट पूछे हैं उसमें हमने अभी तक आपको इसके बारे में बताया नहीं था, क्योंकि मेरा जो विचार था वो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में आने के बाद में ही आपको दवाइयाँ बताने का था, लेकिन क्या करें, आप लोगों में जल्दबाजी बहुत है। आप तो शुरू से ही मतलब जो है रिपोर्ट भेज देते हैं, टेस्ट रिपोर्ट भेजते हैं, फिर ट्रीटमेंट पूछते हैं उसका, फिर कुछ हमारे साथी है उसमें आपने तर्क देने लगते हैं कि आप फला मेडिसिन दीजिए, ये मेडिसिन दीजिए। तो दोस्तों देखिए, जो मेडिसिन हम यहाँ पर देंगे उसका लॉजिक होगा, ऐसे नहीं है ऐसे उठा करके कोई भी मेडिसिन दे दी, नहीं, उसका लॉजिक होगा या मेडिसिन क्यों दी हमने और इसका क्या कार्य है, किस कारण इसको दिया है। तो इसलिए दोस्तों बिना सोचे विचारे किसी भी मेडिसिन को, कोई भी ट्रीटमेंट आप हमारे किसी साथी को ग्रुप में ना बताएं। और एक सभी मैंने आज सुबह एक आइडियो के माध्यम से भी लोगों को संदेश दिया था, और अभी वीडियो के माध्यम से भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो साथी मुझसे ट्रीटमेंट पूछते हैं तो उसमें हमारे जो चिकित्सक बंधु हैं वो कृपा करके अपना ट्रीटमेंट उसमें ना घुसड़ें, क्योंकि इसमें केवल कन्फ्यूजन होना है और कुछ नहीं होना है, कोई लाभ नहीं होना है उसके अंदर। क्योंकि अभी तक मैं देख रहा हूँ कि बहुत से साथी हमारे D6 दीजिए, D5 दीजिए, D8 दीजिए, तो ये यानी डायलूशन के चक्कर में पड़े हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है डायलूशन का कोई चक्कर नहीं है, टेम्परामेंट का चक्कर हमने ख़त्म कर दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव का हमने भी चक्कर ख़त्म कर दिया है। पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ देखते हो दोस्तों, आप अंक के कार्य को देखिए ना, अंक का कार्य क्या है, आई पर है अंक का कार्य है या आईपो है, आई पर है तो वहाँ पर थोड़ा सा डायलूशन जो है लाइट कीजिए। और हमारा डायलूशन देने का जो मतलब है दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि अभी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, अभी 27 मिनट की जो है हो चुकी है और 30 मिनट हो जाएंगे, इसको आधा घंटा हो जाएगा लगभग। आज हम ये चैप्टर जो है पूरा करते हैं, उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको डायलूशन बताऊंगा कैसे आपने डायलूशन बनाना है और कैसे आपने मेडिसिन बनानी है सबका। तो दोस्तों इस प्रकार से दो मेथड तो हमारे हो गए, जिसको हमने S1L1A3 पहला वाला जो हमारा, दूसरा हमने जो आपको BC बॉडी केयर के रूप में दिया है, ये हर पेशेंट को, हर कोई भी किसी प्रकार का, कोई स्त्री हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई भी हो, आप आंख बंद करके ये देना। यदि आपको कोई भी मेडिसिन जो है आपको सुझाव नहीं पड़ रहा है, आप छोड़ दीजिए, आप ये दो मेडिसिन दे दीजिए। दोस्तों मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, 50% पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा इनके अंदर से, बिना सोचे विचारे आप दे दीजिए इसको, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया है कि आप स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मेडिसिन है, उसका भी हमें ध्यान देना होगा दोस्तों। तो तीसरा जो हम ट्रीटमेंट, जो एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम बताते हैं वो मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको। तीसरा जो हमारा है वो स्ट्रक्चरल मेडिसिन हमने वहाँ पर छाटनी है। अब सपोज करिए कि कहीं पर जो है लीवर में इन्फ्लामेशन हो चुका है, सपोज कीजिए कहीं पर, यानी कि कोई सिस्ट बन चुकी है, ऑरेंज सिस्ट है, तो हमने क्या करना है दोस्तों, वहाँ पर सबसे पहले तो हमने स्ट्रक्चरल मेडिसिन देखनी है। अब स्ट्रक्चरल मेडिसिन क्या देखेंगे, ओरी में सिस्ट हो चुकी है, ओरी का साइज जो है वो इनबैलेंस हो गया है, सूजन आ गया, वहाँ पर फैल गया है, वो बड़ा हो गया है, इनलार्जमेंट हो गया है, तो स्ट्रक्चरल मेडिसिन हमारी C1 हुई। अब यूट्रस की आप सब जानते हैं कि C1 हमारी मेडिसिन है, और इसके साथ में दोस्तों जो विनरियो है मेडिसिन, उस विनरियो को भी यहाँ पर आपने ऐड करना है। और यदि किसी प्रकार का जो है कोई अंदर से जो है बदबू आ रही है, कहीं पर स्मेल है, कहीं पर जो है डर्टी स्मेल है, बदबूदार पीप निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो है हम वर्म भी लगाएंगे, वर्मी पोको भी लगाएंगे, और उसके पश्चात जो हमारी एक मेडिसिन होगी वो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी होगी दोस्तों। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी स्ट्रक्चरल मेडिसिन है, क्योंकि स्ट्रक्चरल का मतलब है ना कि ढांचे को एक नॉर्मल सामान्य अवस्था में लाने वाली मेडिसिन, उसको हम स्ट्रक्चरल मेडिसिन बोलते हैं। तो कहीं भी घाव हो गया है, कहीं इन्फ्लामेशन है, कहीं सूजन है, कहीं गांठ बन गई है, तो
तो दोस्तों वहां पर जो हम जी का प्रयोग करेंगे, यानी स्ट्रक्चरल मेडिसिन हमारी जो हमने आपको बताई थी उसके अंदर, जैसे कंसोरेसो का है, विनरियो है, वर्मी फ्यूगो है और जी है, ये जो है चार टाइप की जो मेडिसिन है ये हमारी स्ट्रक्चरल मेडिसिन है। आप इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए कि स्ट्रक्चरल मेडिसिन जैसे ही आपको ध्यान में आए तो स्ट्रक्चरल मेडिसिन हमारी कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो उनमें से कौन सी आपने, वो तो जैसे रोगी की रिक्वायरमेंट होगी, रोग की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके हिसाब से जो है हमें वहाँ पर लगानी है। तकरीबन विनरियो वन तो 100% और जी तो 100% उसके अंदर आपने लगानी है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चरल देखना है। अगर ज़्यादा इनलार्जमेंट है तो वहाँ पर हमने माइक्रो, जैसे मैंने बताया था ना, जितनी भयानक बीमारी, सीवियर भयंकर बीमारी होगी, जितनी सीरियस बीमारी होगी उतनी ही हमने जो है डोज को माइक्रो करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो है दोस्तों हमने उसको जो है माइक्रो डोज देनी पड़ेगी, यानी कि D4 से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ D4 का आगे फंडा बताऊँगा क्या है अगली वीडियो में। तो वहाँ पर जो है हम D4 से 5-5 बूंद लेंगे प्रत्येक मेडिसिन के। सपोज करो कि स्ट्रक्चर के लिए आपने C1 ले लिया, यानी कि ओवरिन सिस्ट के लिए या ब्रिज सिस्ट के लिए C1 ले लिया, या C2 ले लिया आपने, वहाँ पर विनरियो 1 ले लिया, और अगर वहाँ पर बदबू निकल रही है, बदबू आ रही है या घाव है या बह रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर वर्मी फ्यूगो भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ पर GE का प्रयोग करें। क्योंकि GE भी दोस्तों ये भी हमारी वेंस के ऊपर काम करती है, जो खड़े हुए रक्त को ये भी चलाती है, क्योंकि रक्त जहाँ पर खड़ा होगा वहीं पर जो है इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए GE जो है वो हमारी रक्त को चलायमान करती है। A2 है वो भी हमारी जो है वेंस की मेडिसिन है, वो भी रक्त को चलायमान करती है। C5 जो है वो हमारी जो है क्या टिश्यू को जो है रिपेयर करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है। इस तरह से जो है हमने उसमें जो है बॉडी केयर में बनाया था वो फार्मूला वो उसके अंदर है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों इसको जो है लाइट डोज में देंगे और बार बार देंगे उसको, माइक्रो डोज में देकर बार बार देंगे। 5-5 बूंद हम मिला रहे हैं तो 10-10 बूंद हम 1 घंटे से लेकर के जो है 2-3 घंटा तक भी इसको रिपीट हम कर सकते हैं, जब तक स्थिति कवर में ना आ जाती। जैसे स्थिति जो है कंडीशन कवर में आ जाती है, कंट्रोल में हो जाती है, तो उस टाइम आप इसको 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, जैसे भी रोग के अनुसार रिक्वायरमेंट होगी। और हमारी जो अगली मेडिसिन है वो फंक्शनल मेडिसिन है, तो वहाँ पर भी हमने दोस्तों ध्यान रखना होगा कि इसमें अब फंक्शनल मेडिसिन हम क्या दें। जैसे कि फंक्शनल मेडिसिन हम पहले दे चुके हैं, उसके अंदर S1 है हमारी, A3 है, L1 है, वो फंक्शनल मेडिसिन भी हमारी काउंट होती है। तो वहाँ पर हमें वहाँ पर दे सकते हैं, और यहाँ पर भी अगर आप देना चाहें तो यहाँ पर भी जो है लाइट में दे सकते हैं लाइट मेडिसिन। अगर फंक्शनल कम है तो लाइट मेडिसिन दीजिए, यदि हाइपर है तो वहाँ पर कम दीजिए, और आइपो है तो वहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग डायल्यूशन कर दीजिए। यानी कि हम स्ट्रॉन्ग डायल्यूशन में जो है 5 बूंद से लेकर के 20 बूंद तक का प्रयोग करते हैं D4 से। D4 कैसे बनेगा मैं अगले में बताऊंगा, आपको किट भी आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने बना रखी अपनी क्लिनिक में, और कैसे मैं पेशेंट को जो है वो बना करके वहाँ पर देता हूँ। कुछ मैंने जो है, जैसे मैंने आपको ये बताया, 2-3 जो है हमारी बनी बनाई मेडिसिन है, हम बना कर रखते हैं, हर मेडिसिन को पेशेंट को देना होता है, इन दोनों को हम मेडिसिन को मिलाते हैं, और जैसे भी ट्रीटमेंट होगा मैं आगे आपको बताऊंगा दोस्तों। अब जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो 2 मिनट और ले लेते हैं, चलो कोई नहीं दोस्तों। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, सबसे पहले हम जो है उसके रोग को, उसकी जो कंडीशन को 3 भागों में बांट लेते हैं। देखिए कोई भी बीमार पड़ता है, मेंटली डिप्रेस होगा 100%, CNS जो उसका प्रभावित होगा, हमने उसको मेडिसिन देनी होगी जो हमारी बॉडी केयर के अंदर है। मैंने बताया जैसे F1 है नर्वस सिस्टम की, AWE है नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है, वहाँ पर आप इनको देंगे तो उसको रिलीफ मिलेगा। पेन किलर है, बीमार आदमी होगा तो पेन, बॉडी पेन भी होगा उसको, सिर दर्द भी हो सकता है, कुछ और भी किसी ऑर्गन में जो है दर्द हो सकता है, वहाँ पर भी जो है हमारी बॉडी केयर काम करेगी। दूसरा जो है दोस्तों उसके अंदर क्या है कि भूख, उस व्यक्ति का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी इम्बैलेंस हो जाता है, भूख प्यास सब कुछ उसकी ख़त्म हो जाती है। ऐसे में वहाँ पर जो है हमने आपको बताया S1, L1, A3,
वहाँ पर उसको हम देंगे। यानी कि डाइजेस्ट सिस्टम के लिए लिम्फ और ब्लड के, उसके लिए जो है टेम्परामेंट के लिए वो देंगे, और जो है पहला जो है हम हमारा फार्मूला है S1L1A3, वो भी हमने हर पेशेंट को देना है, क्योंकि हर पेशेंट का जो डाइजेस्ट सिस्टम जो है इम्बेलेंस होना ही होना है। और दूसरा जो है दूसरा BC जिसको हम बॉडी केयर बोलते हैं, वो भी हर पेशेंट को हमने देना देना है। उसके पश्चात में जो भी अंग है उसको देख करके हमने उसके अंग के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार, उसके स्ट्रक्चर के अनुसार जो है मेडिसिन का हमने निर्धारण करना है। तो दोस्तों वीडियो जो है 35 मिनट की हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अपलोड करने में बहुत समय लगेगा, इसके अंदर काफ़ी डाटा भी इसमें खर्च होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथी देखें और शेयर करें, क्योंकि ये सब के लिए आज बहुत बहुमूल्य सिद्ध होने वाला है, क्योंकि जो बातें मैंने आज इसमें बताई हैं कोई भी नहीं बताएगा। और अगला वीडियो जैसे मैं बनाएंगे, उसमें वीडियो में आएंगे, तो उस वीडियो में जो है हम आपको डाइल्यूशन बनाना बताएंगे, कैसे डाइल्यूशन बनाना है और कैसे आपने मिक्स डाइल्यूशन बनाना है, ये सब अगले वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे। यदि कोई देखिए, मैं यहाँ पर कोई प्री प्लान से नहीं बैठा हुआ हूँ, केवल पॉइंट पॉइंट लेकर के यहाँ पर जो रजिस्टर में बैठा हुआ हूँ, कोई मुँह से मान ले किसी के बारे में कुछ कहीं पर मतलब कोई गलत वर्ड जी निकल जाता है, इसके अंदर F1 बोल दिया मैंने, वहाँ पर लगना कुछ और था, तो थोड़ा सा अपने सविवेक से भी आप काम लीजिए। इसी के साथ दोस्तों राधे राधे।